अब हम कॉन्वल्यूशनल न्यूरो नेटवर्क को यूज़ करके केस स्टडी पे काम करने वाले हैं विच वॉज एक्चुअली अ कंपिटिशन इन 2022 लेकिन अब हम थोड़ा लेट हो गए बट वी विल वर्क ऑन दिस कम्पिटिशन और फिर हम देखेंगे कि अगर हम सबमिशन करवा सकते हैं इस कंपिटिशन में या नहीं लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि डेटा अवेलेबल है कोड्स अवेलेबल हैं लोग जो जीते हैं वो अवेलेबल हैं डिफरेंट लोगों की नोटबुक्स अवेलेबल हैं यू कैन डू वॉट आप राइस की डिजीज डिटेक्शन कर सकते हैं बाय यूजिंग इमेजेस का डेटा एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इन और इस एक प्रोजेक्ट में इस केस स्टडी के अंदर मैं कुछ पॉइंट्स आपको छोड़ूंगा ताकि आप अपनी नोटबुक्स को अच्छे तरीके से फाइनल पोर्टफोलियो के लिए तैयार रखें ताकि जब आप इंटरव्यू में जाएं आप उन्हें अपनी नोटबुक्स जो है वो सेंड कर सकें मैं स्क्रीन आपके सामने शेयर करता हूँ यहाँ पर देखें जनाब आपके पास पैडी डॉक्टर पैडी डिजीज क्लासिफिकेशन का लिंक आ गया ये केगल के ऊपर अगर आप लिखेंगे ना कंपिटिशन में जाके पेडी डिजीज क्लासिफिकेशन देन यू विल सी दिस लिंक और इस लिंक को मैं अगेन पेडी डिजीज अगेन मैंने केगल के कंपटीशन को डिस्क्रिप्शन में आपके सामने पेस्ट कर दिया यू कैन हैव अ लुक एंड इस पे हम बात करेंगे और इसको हम रेप्लीकेट करेंगे या देखेंगे किस तरीके से ये पूरे का पूरा डेटा हमारे पास आता है ये एक डिस्क्रिप्शन है जी इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे है क्या औरज़ा स्टीवा यानी कि राइस का जो प्लांट है जो राइस जिन्हें हम मुंजी भी बोलते हैं और धान भी बोलते हैं उसका जो ये एक स्टेपल फूड है वर्ल्ड वाइड तो अक्सर अवत सेवेंटी परसेंट लॉस इसकी डिजीज़ की वजह से होता है जो एग्रीकल्चर के बंदे हैं उनके लिए ये एक सुहाना मौका है कि वो इस पर बात करें और देन दे कैन एक्चुअली जनरेट देयर ओन मॉडल बट ऑन द अदर साइड ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि आपको कुछ इमेजेस दी गई हैं विच इज अबाउट टेन थाउजेंड फोर हंड्रेड सेवन और फिर आपके पास कुछ टेस्ट डेटा सेट में इमेजेस दी गई हैं थ्री फोर सिक्स नाइन की एंड यू हैव टू एक्चुअली वर्क ऑन द डेटा सेट और डेटा सेट पर आप मॉडल ट्रेन करके अपनी एक्यूरेसी को यहां पर सबमिट करवाएंगे अवेलुएशन मैट्रिक्स क्या है सबमिशन विल बी एवेलुएटेड बेस्ड ऑन देयर कैटेगराइजेशन एक्यूरेसी हमने एट द एंड क्या करना है कैटेगराइजेशन एक्यूरेसी बतानी है फॉर एग्जांपल इमेज आईडी उन्होंने दी होगी टेस्ट डेटा में हमने लेबल को प्रिडिक्ट करना है कि ये लेबल मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में किस तरीके से फाइनली हमारे पास आता है ठीक है एंड देन वी हैव टू अपलोड दैट सबमिशन यहां पे वो लीडर बोर्ड के अंदर हमारी सबमिशन आ जाएगी टाइमलाइन इसका कंपटीशन की डेट ऑलरेडी फिनिश हो चुकी है मोस्ट ऑफ द कंपिटन आर ऑलरेडी फिनिश बाय सितंबर 1 2022 बट वी आर गोइंग टू डील विद दिस कंपटीशन एज अ अलेशन एंड वी आर गोइंग टू यूज़ कॉन्व्यूश इन न्यूरल नेटवर्क ठीक है डेटा के लिए आप यहां पे क्लिक करेंगे और यहां पे आपके पास 1.09 जीबी का डेटा जो है आपके पास आ जाएगा सो द इमेजेस आर रियली बिग 1.9 जीबी का डेटा है आप कैसे डाउनलोड करेंगे उसके लिए आपने क्या करना है आपने यहाँ पे ट्रेन इमेजेस टेस्ट इमेजेस और इन सारे फोल्डर्स को यहाँ से डाउनलोड करना है ठीक है आपके पास इमेजेस का डाटा कुछ इस तरीके से आएगा ये ट्रेन इमेजेस हैं और इनका हर एक का डिफरेंट फोल्डर हमारे पास बना हुआ है ठीक है एंड वी आर गोइंग टू एक्चुअली डाउनलोड दिस ट्रेन इमेजेस टेस्ट इमेजेस इन ऑल द डेटा सेट इंक्लूडिंग द सैंपल सबमिशन फाइल एंड ट्रेन सी एस वी फाइल ठीक है अब हमारे पास इमेजेस हैं टेस्ट की भी ट्रेन की भी और हमारे पास ट्रेन सी एस वी फाइल भी है एंड न डाउनलोड एवरीथिंग बाई क्लिकिंग हेयर यहां पर आप क्लिक करके सारे का सारा डेटा डाउनलोड कर सकते हैं और यू कैन यूज दिस केगल कंपिटिशन डाउनलोड माइनस सी पेडी क्लास पेडी डिजीज क्लासिफिकेशन बाई यूजिंग केगल की ए पी आई आप केगल की ए पी आई को यूज करके भी डेटा को, को डाउनलोड कर सकते हैं बट आई एम नॉट गोइंग इन टू द डिटेल्स यू कैन डाउनलोड दिस डेटा बाई क्लिकिंग हेयर अब वन पॉइंट कितने जीबी का डेटा नाइन जीरो नाइन जी बी का सो so, ज़ाहरी बात है इसको अगर हम एक्सप्लोर करेंगे इट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट टू एक्चुअली ट्रेन आर मॉडल ठीक है सो so, इस बात को मद्देनजर रखिएगा कि ये आसान नहीं है इसके डेटा पे काम करना बट ऑन दी अदर साइड इट विल बी ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम इस मॉडल को रन करके अपने पास प्रॉपर वे में इसको लेके आ सकते हैं एंड हाउ वी कैन एक्चुअली फ़ाइंड सम काइंड ऑफ नाइस आउटपुट्स आउट ऑफ दिस डेटा यहाँ तक क्लियर हो गया जी अब हम क्या करेंगे इस पूरी नोटबुक के ऊपर काम करेंगे एंड देन वी विल सी कि हम किस तरीके से अपना जो है वो डेटा यहाँ पे लेके आ सकते हैं यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ नोट जो यहाँ पे अवेलेबल हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मोस्ट वोट्स वाली नोटबुक्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं रोड टू द टॉप पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री ये हमारे पास ऐसी नोटबुक्स हैं मल्टी टारगेट तो ये हमारे पास ऐसी नोटबुक्स हैं जिनको हाइस वोट्स मिले हुए हैं एंड फास्ट ए कोर्स 22 नोटबुक फिर पाई टॉर्च का ट्यूटोरियल है पेडीडाइस डिजीज़ का यू कैन ऑल्सो डू समथिंग एल्स फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टेंसर फ्लो लिखेंगे तो आपके पास वो वाली आ जाएंगी नोटबुक्स जिनके ऊपर टेंसर फ्लो यूज किया गया है यू कैन यूटलाइज दिस थिंग एज वेल फॉर एग्जाम्पल टी एफ कैन टी एफ कैरास कैन क्लासीफाइड डिजीज क्लासीफिकेशन फिर देर आर मेनी अदर थिंग्स राइट फिर आपके पास ऑलरेडी मॉडल्स भी अवेलेबल है मोबाइल नेट का जो मॉडल है इसको भी आप यूटलाइज कर सकते हैं फॉर द क्लासीफिकेशन वट आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट डिस्कशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं ठीक है ओन्ड नोटबुक आपके यहाँ पे आ जाएंगे बुक मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगी और ऑल नोटबुक्स यहाँ पे हैं फिर लीडर बोर्ड यहाँ पे आपके पास आया हुआ है जो आपके पास लीडर बोर्ड में सबसे ऊपर है इस वक्त नाइन्टी एट स्कोर है उसका ठीक है और नाइन सिक्स थ्री है आवर एम इज़ टू गो बियॉन्ड दिस विच इज़ नॉट ईजी तो हम पब्लिक लीडर बोर्ड पर जाएँ तो यहाँ पर नाइन्टी नाइन प्लस भी आपके पास जो है वो स्कोर uh, आया हुआ है सो पीपल हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स और उन्होंने इतना अच्छे से क्लासीफाई किया डिजीजेज़ को कि दे गॉड अ रियली हाई एक्यूरेसी रूल्स आपके सामने ये हैं वो हम इसमें सबमिशन के लिए इतना कोई खास काम नहीं कर रहे लेकिन टीम में आपको बता दूं जब भी आपने कोई सबमिशन यहाँ पे देनी है प्लीज़ ऐड माय नेम इनटू द टीम्स सो दैट आई कैन एक्चुअली कमेंट ऑन दोज नोटबुक्स या अगर कोई वहाँ पे क्वेश्चन करता है देन आई कैन हेल्प यू टू आंसर ऑन दोज नोटबुक सबमिशन में हम क्या करेंगे लेट सबमिशन करवाएंगे बाय क्लिकिंग ऑन द लेट सबमिशन आई कैन हीयर लेकिन उससे पहले हमने अब काम स्टार्ट करना है इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं अपना कोड आपके सामने ले आया हूँ यहाँ पे इस कोड के ऊपर हम काम करने वाले हैं और वी आर गोइंग टू यूज़ दिस डेटा सेट और इन इस डेटा सेट को यूज़ करने के बाद हम इस पर काम करेंगे यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना लिया है राइस डिजीज़ क्लासिफिकेशन का ऑलरेडी ठीक है और इसके अंदर मैंने डेटा ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया टेस्ट इमेजेस ट्रेन इमेजेस सैंपल सबमिशन एंड ट्रेन सीएसवी मेरे पास सारा डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे मैं यहाँ पे ज़ीरो वन अंडर स्कोर राइस डिज़ीज़ क्लासीफिकेसन डॉट आई पी वाई एन बी यहाँ पर एक नोटबुक बनाता हूँ और डेटा जो है वो पैडी डिजीज़ क्लासीफिकेशन के अंदर मौजूद है लेकिन मैं इसको क्या करता हूँ इसको रीनेम करके डेटा पे कर देता हूँ ठीक है so, सो यहाँ पे हमारा डेटा है ये चार नंबर हमारे पास प्रोजेक्ट्स के अंदर मैंने नोटबुक बनाई है ये हमारा डेटा आ गया और इस डेटा के ऊपर हम काम करेंगे बाय यूजिंग दिस नोटबुक राइट और टेंसर फ्लो का हम यूज़ करने वाले सो <coughs> so, ये एक छोटी सी बात आपको बतानी थी यू अंडरस्टूड दैट हम यहाँ से टेंसर फ्लो साहब को बुलाते हैं एंड नाउ वी विल गो टू वर्ड्स आर राइस डिजीज डिटेक्शन डेडा सैड और हम इसके अंदर डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करके इस कम्पिटिशन को फाइनलाइज वे में आगे लेके चलेंगे ठीक है अब यहाँ पर हम क्या करते हैं सबसे पहले हमारा काम क्या होता है हम उसको देखते हैं देन वी विल वर्क ऑन द थिंग्स सबसे पहला हमारा काम है जनाब यहाँ पर टाइटल देना तो मैं टाइटल दे देता हूँ यहाँ पे मैं कहता हूँ राइस डिजीज आर क्लासीफाइड यूजिंग सी एन एन विद टेंसर फ्लो टेंसर फ्लो के थ्रू हमने जनाब ये काम करना है तो ये मैंने डेटा का लिंक दे दिया डेटा यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया एंड नाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस डेटा सेट ये एक प्रोजेक्ट आपके पोर्टफोलियो में चार चांद लगा सकता है इफ़ यू नो हाउ टू वर्क ऑन डिजीज़ डिटेक्शन डेटा किसी भी इमेज को आप लेंगे तो इस सेम तरीके से ही काम करेगा सो इफ़ यू आर न्यू हेयर मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ इसको गौर से देखिएगा इस एक नोटबुक को ताकि आपके सामने जो भी कंफ्यूजन हो उसके बारे में हम फिर बात कर सकें सबसे पहला काम होगा इंपोर्ट लाइब्रेरीज ठीक है लाइब्रेरीज़ हम इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे और मैं इसको पहले रॉ तरीके से बनाऊंगा इस नोटबुक को एंड देन वी आर गोइंग टू मेक इट इन इन अ नाइस वे सो इंपोर्ट numpy पाई एज एन पी एंड देन बल्कि पांडा ऊपर कर लेते इम्पोर्ट pandas इम्पोर्ट नम पाई एज एन पी ये हमने दो लाइब्रेरीज यहां पे इंपोर्ट की ठीक है अब हम क्या करेंगे इंपोर्ट करेंगे CSV इंपोर्ट सी एस वी फाइल को इम्पोर्ट सी एस वी फाइल ठीक है जो ट्रेन सी एस वी फाइल है सो so, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रेन डॉट सी एस वी फाइल उसको हम इम्पोर्ट करेंगे विच इज़ एक्चुअली इन साइड द फोल्डर स्ट्रक्चर कॉल डेटा तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी एफ इज इक्वल टू या मैं इसको डेटा इज इक्वल टू लिख देता हूँ डेटा इज इक्वल टू पी डी डॉट रीड सी एस वी और इसके अंदर हम पाथ दे देते हैं डॉट लगा के फॉरवर्ड स्लैश लगा के डेटा स्लैश ट्रेन डॉट सी एस बी ठीक है और यहां पे डेटा डॉट हेड कर लेते हैं सो so, ये जनाबे वाला हमारे पास जो डेटा के अंदर स्ट्रेन सी एस वी फाइल पड़ी थी हमने उसको रीड आउट कर लिया यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा इस फाइल के अंदर इमेज आईडी है ठीक है कौन सी इमेज की आई डी है ये जो ट्रेन इमेज पड़ी हुई हैं और इसके अंदर फर्दर फोल्डर्स हैं अगर आप गौर करें फॉर एग्जाम्पल आपके पास जितनी भी डिजीज है ना उनके फोल्डर हैं बैक्टीरियल लिफ ब्लाइट का फोल्डर है लीफ स्ट्रिक का पेनिकल ब्लाइट का ब्लास्ट का ब्राउन स्पॉट का डेड हार्ट का डाउनी मिल्ड्यू का हिस्पा का नॉर्मल तस्वीरें भी हैं और टेंगरो की भी हैं तो ये सारी डिजीज़ हैं जो आपके सामने हैं ठीक है और इन डिजीज़ की बेस पे आप देख सकते हैं कि ट्रेन इमेजेस जो यहाँ पे हर फोल्डर के अंदर हैं ये उनकी आईडी है फॉर एग्जांपल 10330 ये पहली आपके पास होगी इस बैक्टीरियल लीव ब्लाइट के अंदर और ये JPG इसका कोड है दिस इज हाउ द इमेजेस डेटा इज एक्चुअली प्रोवाइडेड यू हैव अ कॉम्पिटिशन और वेन एवर यू हैव द ओरिजिनल डेटा सेट तो आपने को लेबल करके इस तरीके से अपने सामने ले आना होता है राइट right जी यहां तक आपको क्लियर हो गया अब हम क्या करते हैं शेप चेक करते हैं चेक द शेप ऑफ डेटा तो मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर एग्जांपल डेटा डॉट शेप तो ये हमारे पास टेन थाउजेंड फोर हंड्रेड सेवन यानी कि हमारे पास जो ट्रेनिंग डेटा के अंदर है क्योंकि हमने ट्रेन डेटा यहाँ पे लोड किया है उसके अंदर दस हज़ार चार सौ सात तस्वीरें हैं और ये चार कॉलम हैं आपके डेटा के ट्रेन सी के ठीक है और हमें पता है कि एज जो है वो हमारे पास एक कॉलम है फिर वेराइटी है फिर लेबल है फिर इमेज आई है ठीक है अब एज का हमें पता करना है कि एज क्या चीज़ है एंड हाउ वी कैन एक्चुअली सी कि हमारे पास किस तरीके से एज क्लासिफाइड होती है अगर मैं इस यहाँ पे इस स्क्रीन पे लेके आऊँ तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि डेटा के अंदर यूनिक इमेज आइडेंटिफायर्स हैं ट्रेन इमेजेस के इमेज आईडी के लेबल फिर उनका लेबल है फिर वैरायटी है नाम ना, नाम नेम ऑफ द पैडी राइस या राइस पैडी भी राइस को ही बोलते हैं अगर आपको नहीं पता एज क्या है एज ऑफ द पैडी इन डेज तो ये जो हमारे पास कोड है इसके अंदर जब एज आएगा इसका मतलब है कि कितने दिन हो गए हैं उस राइस को ग्रो करने के अंदर मतलब जितनी दिन से आप उसको ग्रो कर रहे हैं वो कितने दिन हो गए हैं अभी तक के लिए ठीक है तो हम इस पर क्लिक करते हैं और हमें पता चलता है कि जी ये डेज हैं हमें डेटा की समझ आ गई है शेप हमारे पास ये है कि वी हैव टेन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड सेवन इमेज इन टोटल डेटा हमने देख लिया हमारे पास लेबल्स आ गए अब हमने क्या करना है हमने डेटा डॉट लेबल्स को यूनिक वैल्यूज़ देखनी है यानी कि ये देखना है लेबल्स की यूनिक वैल्यूज़ कितनी है तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ डेटा डॉट लेबल्स या इसके अंदर मैं ऐसे लिख देता हूँ लेबल्स लेबल डॉट यूनिक तो ये हमारे पास यूनिक वैल्यूज हैं ठीक है अब इसको अगर मैं डॉट टू लिस्ट करूँ तो होप फुली इट विल बी कन्वर्टेड इन टू लिस्ट तो ये लिस्ट में आ गया अगर आप गौर करें हमारे पास एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस वैल्यूज़ हैं दस यूनिक हमारे पास क्लासेस हैं सो हमारे पास हैं जनाब यहां पे मैं लिखता हूं आउटपुट्स या ऑब्जरवेशंस ऑब्जरवेशंस और यहां पे मैं इसके अंदर इंफॉर्मेशन ऐड कर देता हूं सबसे पहली चीज वई है थाउजेंड फोर हंड्रेड सेवन इमेज इन ट्रेन डेटा ठीक है वी हैव टेन यूनिक डिजीज क्लासेस ठीक है यह दूसरी ऑब्जर्वेशन होगी अब इसके बाद क्या करेंगे हम यहां पे डेटा के अंदर लेबल की बजाय वेराइटी को देखेंगे और इसको यूनिक वैल्यूज को हम यहां पे लिखेंगे यूनिक टू लिस्ट तो यह हमारे पास जनाब वरायटीज कितनी है एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ही वराइटीज हैं वी ऑल्सो हैव टेन वेराइटी ऑफ राइस विद दिस डेटा इन दिस डेटा ठीक है सो दस वरायटी राइस की हैं दस ही हमारे पास जो हैं वो डिजीज की क्लासेज हैं ठीक है थीके? हमारा जो मेन काम है वो डिजीज क्लास इस, इसको वेराइटी को नहीं लेबल को हमने प्रडिक्ट करना है सो वी हैव टू द लेबल ठीक है वराइटी इज डिफरेंट थिंग अब हम चलते हैं एज के ऊपर और एज की यूनिक वैल्यूज निकालते हैं इसको हम क्या कर सकते हैं वी कैन से डेटा के अंदर एज डॉट वैल्यू काउंट्स भी कर सकते हैं सो so, ये एक अदर मेथड है आपको फाइंड आउट करने के लिए और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जी एज जो है आपकी एक दो तीन चार पाँच सात और मल्टीपल किस्म की आपकी एज है और आपका सत्तर तक दिन जाते हैं और यहाँ पे बयासी भी है ऑब्वियसली सो वी कैन हैव अ लुक मैं अगर इसको डॉट डिस्क्राइब करूँ लेट्स सी वैल्यू काउंट्स के बगैर इसको डिस्क्राइब करते हैं यू कैन हैव एन आइडिया इसका मेन इतना यानी कि ऑन ऑन एन एवरेज पैंसठ दिन का डेट है लेकिन आपके पास जो मिनिमम है पैंतालीस है मैक्सिमम बयासी है सो so पैंतालीस से बयासी तक आपका पूरे का पूरा डेटा जो है वो फैला हुआ है ठीक है सो वी कैन से वी हैव प्लांट्स राइस प्लांट्स एज रेंजिंग फ्राम पन्तालीस टू एटी फाइव डेज ठीक है ये हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन आ रही मैं साथ साथ लिखे जा रहा हूँ मैंने कोई प्लॉटिंग नहीं खास तौर पे अभी इस वक्त कर रहा बट वी विल सी दैट कि प्लॉटिंग किस तरीके से करेंगे एंड देन वी विल आल्सो हैव एन आइडिया कि किस तरीके से हम पूरे के पूरे डेटा को प्लॉट करके ला सकते हैं यहाँ पर मैं एक और काम करता हूँ इम्पोर्ट सी बॉन एज एस एन एस कर लेता हूँ ताकि हमारे पास जो डेटा है वो सही तरीके से आए एंड देन वी कैन एक्चुअली हैव एन आइडिया कि जो सब कुछ चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है सो so, मैंने सी बॉन को भी यहाँ पे ले लिया अब हम क्या करते हैं एक और यहाँ काम यहाँ पे करेंगे हम हम वैरायटी की बेस पे उनका काउंट चेक करेंगे कि कौन सी वैरायटी सबसे ज्यादा है सो वी विल सी प्लॉट द डेटा बेस्ड ऑन वैरायटी नेम या इसको मैं कह देता प्लॉट द डेटा काउंट तो हमने काउंट प्लॉट बनाना है जो हम बना सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मेनी मेथड्स के थ्रू लेकिन एक जो हमारे पास हच, अच्छा मेथड है उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ मैंने मैट प्लॉट लिब नहीं यहाँ पे इंपोर्ट की हुई उसे भी कर लेता हूँ इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब एस पी एल टी मैं सभी को रन करता हूँ सॉरी आई डोंट नीड टू रिस्टार्ट एक्चुअली रन ऑल इट्स फाइन नाउ यू कैन सी कि आपके पास डेटा आ रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वरायटी ए डी टी फोटी फाइव है यानी कि इसका काउंट सबसे ज़्यादा है सबसे ज़्यादा सब इमेजेस सात हज़ार के करीब ए डी टी फोर्टी फाइव की है बाकी दूसरी वेराइटीज हैं ठीक है सो वी कैन हैव एन कि ये जो वेराइटीज हैं इनमें सबसे ज्यादा ए डी टी फोर्टी फाइव है तो ये भी हम लिख सकते हैं द ए डी टी फोर्टी फाइव इज द मोस्ट कॉमन वेराइटी इनसाइड द ट्रेनिंग डेटा ठीक है ये हमारे पास आ गया राइट अब इसी की बेस पे हम आगे चलेंगे एंड देन वी कैन हैव एन आइडिया कि किस तरीके से हमारे पास जो डेटा है वो अकर कर रहा है ठीक है हम ई का बहुत अच्छे तरीके से और भी कर सकते हैं बट फॉर नाउ वी आर गोइंग टू डिस्प्ले सम फिगर्स के हमारे पास डिफरेंट वेराइटीज़ जो हैं डिफरेंट डिजीजेस के साथ वो किस तरह के दिखती हैं एंड नॉर्मल जो है वो किस तरीके से हमारे पास नज़र आती है तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे एक छोटा सा प्लॉट ड्रा करेंगे और इस प्लॉट को देखते हैं कि हमारे पास डेटा किस तरीके से आता है मैं यहाँ पे आपको पहले समझा देता हूँ कि ये कैसा चलेगा प्लॉट मैं यहाँ पे एक प्लॉट बनाता हूँ सो so, मैं यहाँ पे कहता हूँ मेक प्लॉट ऑफ इमेज़ जस्ट टू हैव एन आइडिया कि किस तरीके से हमारी इमेज नज़र आती हैं सो so, मैं यहाँ पर पी एल टी डॉट फिगर और इसके बाद फिक्स साइज़ यहाँ पे लेते हैं टेन बाई टेन की बजाय इसको मैं ट्वेंटी बाई टेन का कर लेता हूँ ये हमने फिगर साइज दे दिया देन कॉलम का मैंने यहाँ पे बता दिया कि कॉलम्स शुड बी फाइव देन मैं यहाँ पे अब पाथ दूंगा पाथ अपनी इमेज़ का सो वट आई एम गोइंग टू डू आई एम गोइंग टू प्रोवाइड अ पाथ और पाथ क्या होगा कि यहाँ से इमेज़ किस फोल्डर के अंदर हैं ट्रेनिंग की और मेरी जो इमेजेस हैं वो ट्रेन इमेजेस के फोल्डर के अंदर हैं डेटा के बाद ट्रेन अंडर स्कोर के फोल्डर के अंदर है ठीक है और इसके आगे डायरेक्टरी है हमारी पूरा फोल्डर है तो ये मैंने पाथ दे दिया कि हमारी इमेजेस कहाँ पे अकर कर रही है ठीक है अब इसके बाद हम क्या करेंगे हम एक फॉर लूप बनाएंगे जो मेरे पास बना पड़ा है आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट जस्ट शो यू कि ये हमारे पास किस तरीके से नज़र आएगा और <clears throat> और इससे यहाँ पे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट हमें बनाना है और और उसके लिए हम क्या करेंगे मैं आपको भी समझाता हूँ कि ये हो क्या रहा है जस्ट गिव मी वन सेकेंड कॉपी बल्कि इनको सेपरेट जगहों पे रखते हैं ताकि हमें पता चल जाए अच्छा जी यहाँ पे गौर करें अब हमने यहाँ पे क्या किया है हमने नॉर्मल का एक ऑब्जेक्ट बनाया और डेटा के अंदर जहां जहां पे लेबल हमारा नॉर्मल है उसको बता दिया इसका मतलब है कि नॉर्मल के ऑब्जेक्ट के अंदर हमारी वो वाली जो हैं वो डिजीज की बेस पे अगर देखा जाए तो सिर्फ वो वाली तस्वीरें आएंगी विच आर नॉर्मल लाइक दिस वन ठीक है सो हम इसको नॉर्मल कहते हैं और अगर आप कहते हैं तो इसका एक प्लॉट पहले बना लेते हैं देन आई कैन शो यू कि मैं कर क्या रहा हूँ मैं यहाँ पे वैरायटी के बजाय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेबल और यहाँ पे लिख देता हूँ डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन हियर सो so नाउ यू कैन लुक कि हमारे पास नॉर्मल इमेजेस भी हैं विदाउट एनी डिजीज़ और फिर सारी डिजीजेस वाली हैं यानी कि एक हमारे पास नॉर्मल इमेजेस वाला डेटा है और बाकी सारा डिजीजेस वाला डेटा है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ नॉर्मल का एक ऑब्जेक्ट बनाया ठीक है और उसकी वैरायटी मैंने स्पेसिफाई कर दी ए डी टी फोटी फाइव यानी कि ए डी टी फोटी फाइव वरायटी का नॉर्मल का डेटा इस ऑब्जेक्ट को हमने सेव कर लिया और हमने उसमें से पांच तस्वीरें निकाल ली यानी कि पांच कोई भी रैंडम पहली पांच मैंने निकाल ली तस्वीरें और उनका मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया सो रैंडम फर्स्ट फाइव इमेज आईडी की बेस पे ये जो मैंने पांच इमेज आईडीज डीज निकाल ली अगर मैं इसको रन करूं देन इट विल गिव मी दिस अरे कि ये तस्वीर नंबर जो है सो डबल जीरो सेवन वन ट्रिपल जीरो टू फाइव वन डबल जीरो वन थ्री फाइव वन डबल जीरो वन सिक्स फाइव और सो ऑन ये जो मेरे पास एक मैं इसको टू लिस्ट कर लेता हूं ताकि ये इजी रहे समझना ये जो मेरे पास एक इमेजेस का डेटा आया एक दो तीन चार पांच इन पांच इमेजेस को हम प्रिंट करेंगे फ्रॉम नॉर्मल इमेज फिर इसी तरीके से मैं यहां पर आपको पांच ऐसी इमेजेस बना के देता हूं विच यू कैन पुट एज डिजीज तो मैं यहां पे डेड कह देता हूं इसको बजाय इसके कि इसको भी नॉर्मल रखा जाए डेड डेटा यहां पे मैं कह देता हूं डेड डेड वेराइटी आपके पास ये आ गई यहां पे भी डेड सो so मैंने क्या किया यहां पे एक ऐसी फिर डिजीज को लिया जो डेड हार्ट डिजीज है ठीक है और उसकी भी वेराइटी जहां पे है। उसकी भी पांच तस्वीरें ले ली और उसको भी टू लिस्ट कर लिया तो यहां है एंड नाउ वी आर गोइंग टू प्रिंट फाइव ऑफ दीज एंड फाइव ऑफ दीज और उसके लिए हमने ये वाला फोर लूप इस्तेमाल किया फोर आई इमेज लोकेशन इन एन एमट एन पी डॉट कैटिनेट फाइव नॉर्मल एंड फाइव डेड इमेजेस ये जो हमारे पास फाइव नॉर्मल्स का ऑब्जेक्ट है ये वाली पांच एंड फाइव डेड इमेजेस ये वाली पांच हम इनको यहां पर प्रिंट करेंगे बाई यूजिंग दिस सब प्लॉट मैथड और अगर एक पांच से ज्यादा है तो फिर हमारे पास जो है वो नॉर्मल पास जो है वो इमेज लोकेशन तक चला जाएगा एंड देन वी विल हैव सम लाइक दिस तो ये हमारे पास आप देखें अगर ये हमारे पास एक इमेज है जो नॉर्मल डेटा सेट की है ये भी नॉर्मल है ये भी नॉर्मल ये भी नॉर्मल ये भी नॉर्मल तो ये पांच ऊपर वाली तस्वीरें नॉर्मल डेटा सेट की है और नीचे वाली पांच तस्वीरें डेड हार्ट डिजीज़ वाली हैं ठीक है सो यू कैन एक्चुअली हैव अ लुक कि किस तरीके से ये हमारा इमेज का डेटा दिखेगा हमारे पास इमेज़ कुछ इस तरीके से आएंगी एंड देन वी कैन एक्चुअली प्लॉट द इमेज और इसके बाद यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसमें आप हर एक इमेज का जो डेटा है अपने पास जो है वो लेके आ सकते हैं सो फॉर दैट वी कैन गिव सम इमेज आईडीज जो हमारे पास स्पेसिफिक स्पेसिफिक इमेजेस की हैं एंड देन कैन वी कैन प्रिंट दोज एज़ वेल तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक कोड ले आता हूँ और उसको प्रिंट करता हूँ ताकि हमारे पास हर इमेज का हर डिजीज का एक डेटा आ जाए सो आई जस्ट नीड टू रिप्लेस दिस थिंग कमांड सॉरी कंट्रोल एफ कमांड एफ मैं यहाँ पे इन्हें पेस्ट करता हूँ और इसको हमने रिप्लेस करना है डॉट स्लैश डेटा से राइट सो हमने क्या किया अब हिस्पा से एक इमेज ले ली टंगरो से बैक्टीरियल लीव से डाउनरी मेल जितनी भी डिजीजे हैं नॉर्मल की भी सभी से एक एक इमेज ले ली उनकी डिजीजेस के नाम यहां पे लिख दिए और डिजीजेस को हमने बता दिया कि डिजीजेज फॉर डिजीजेज इन डिजीजेज तो हमने यहां पे डिजीजेज का एक ऑब्जेक्ट बना लिया एंड नाउ वी कैन प्लॉट ऑल ऑफ द इमेजेस तो मैं ये आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम इसको प्लॉट कर सकते हैं लाइक दिस एंड वी विल हैव ईच इमेज फॉर एनी काइंड ऑफ डिजीज फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल है यहाँ पे ठीक है सो so, साथ में हमने डिजीजेस इस वजह से लिखे नॉर्मल डिजीजेस तो डिजीज नहीं होगी बिकॉज़ वी हैव प्रोवाइडेड दिस थिंग हियर डिजीजेस तो मैं डिजीज सॉरी मैं इसको यहां से कर देता हूं प्लस यहां पे कर देते हैं इमेज इसको मैं दोबारा से प्रिंट करता हूं नाउ यू विल सी कि हिस्पा की इमेज ये वाली है टंगरो इमेज ये है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की ये डॉन्डी मिल्डियो की ये है एंड बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट डेड हार्ट इमेज ब्राउन स्पॉट इमेज फिर नॉर्मल इमेज ये है और ये बैक्टीरियल लीफ स्ट्रीक इमेज है तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो इमेज है वो हर किस्म की यहां पर प्रिंट हो गई है एंड नाव यू कैन गो फर्दर और इन इमेज पर और भी अच्छा काम कर सकते हैं और इनको और भी अच्छे तरीके से देख सकते हैं बट इट डिपेंड्स कि आप कितना किस तरीके से अपना जो मॉडल है उसको यहाँ पर लेना ले कर आना चाहते हैं सो फॉर नाओ वी आर वी आर एक्चुअली गोइंग टू क्रिएट अ मॉडल आउट ऑफ इट और हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो मॉडल है वो काम करेगा एंड हाउ वी कैन क्रिएट अ टेंसर फ्लोर डीप न्यूरल नेटवर्क टू क्लासीफाई दीज इमेजेज या ट्रेन दीज इमेजेस बट बिफोर दैट मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अभी तक अब आप, आपने जितना सीखा है आ, अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन है यू कैन राइट डाउन इन द चैट ताकि इस पर हम बात कर सकें अगर कोई क्वेश्चन नहीं होगा देन वी विल प्रोसीड फर्दर और अगर तक अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू इट जी ओके okay जी तो आपने यहाँ तक देख लिया होगा कि किस तरीके से हम काम करते हैं अब हमने आगे चलना है और इसको और भी अच्छे तरीके से वन हॉट इनकोडिंग के थ्रू डिफरेंट किस्म का हमने काम करके आगे लेके चलना है अगर हम इनकोडिंग करना चाहें हम वो भी काम कर सकते हैं अगर इनकोडिंग नहीं करनी यू वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स तो आप उस तरीके से भी इसके ऊपर काम कर सकते हैं एंड एंड दिस शुड एक्चुअली विल बी वर्किंग फाइन अगर आप पूरे का पूरा अपना मॉडल इस पर ट्रेन करना चाहते हैं राइट right जी अब हम यहाँ पर क्या करते हैं इस पूरे के पूरे जो डेटा सेट है हमारे पास डेटा के नाम से हम इसको इनकोड करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें डेटा डॉट हेड तो ये हमारे पास डेटा है और इसके अंदर हमारे पास वेराइटी भी है और लेबल भी है हम इन दोनों को इनकोड करते हैं सो वी विल इनकोड लेबल एंड वेराइटी बोथ ऑफ द कॉलम्स यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ इनकोड बोथ कॉलम्स लेबल एंड वेरायटी और उसके लिए हम क्या करेंगे वी विल एक्चुअली कॉल फ्रॉम एस के लर्न प्री प्रोसेसिंग लेबल इन कोडर को और यहाँ पे लेबल इन कोडर को यूज़ करके हम डेटा का जो लेबल है उसको भी इनकोड कर देंगे और जो वेरायटी है उसको भी इनकोड कर देंगे एंड एट दी एंड वी कैन एक्चुअली सी द डेटा हमारा डेटा इनकोड होता है कि नहीं होता एंड यू कैन सी कि आपके पास लेबल और वरायटी दोनों इनकोड हो चुके हैं ना आपका डेटा इनकोड हो गया आप इन्हीं कामों को वन हॉट इनकोडर के साथ भी कर सकते थे समथिंग लाइक दिस आप वन हॉट इनकोडर को भी लेके आ सकते हैं और यहाँ पे उसको भी लगा सकते थे सो so, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लेबल इनकोडर की बजाय हम वन हॉट इनकोडर यहाँ पे देते हैं और नीचे भी इसके वन हॉट इनकोडर अगर दे दें देन इट विल बी वर्किंग फाइन तो डेटा के अंदर वेराइटी एंड वन हॉट इनकोडर एंड फिट ट्रांसफॉर्म डाटा वेराइटी मैं सबसे पहले ऊपर वालों को सभी को चलाता हूँ बिकॉज़ वी हैव ऑलरेडी इनकोडेड द डेटा यहाँ पे हम दोबारा से नहीं कर पा रहे लेट मी सी एक्सपेक्टेड टू डी आर ए गॉड वन डी आर ए सो हमारे पास ये वाली वन डी आर है रिशर डेटा इधर विद री और सिंगल फीचर लेट्स सी Mm -hmm. let's try this again it's again making some issues one hot encoder dot fit transform so time waste can I keep a let's use at the moment one level encoder अभी के लिए हम लेबल इनकोडर यूज़ करते हैं फिर देखते हैं वन हॉट इनकोडर में क्या शो आ सकता था जो आया था लेट्स सी हम अब आगे काम क्या करेंगे थोड़ा सा टाइम लगता है जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं सो इट्स नॉट लाइक दैट कि आप सिंपली जो अपना प्रोजेक्ट है उसके उसके ऊपर काम कर लें एंड एवरी इज़ वर्किंग फ़ाइन सो हमने क्या करना है अब लेट मी सी जस्ट अ मिनट बिकॉज मेरी नोटबुक जो है वो थोड़ा सा क्रैश कर रही है काम को जिसके भी वन सेकेंड ओके okay जी ना इट्स वर्किंग काइंड ऑफ फाइन तो हम इस पर काम करते हैं सबसे पहला काम हम क्या करेंगे जनाब यहाँ पे डिफाइन करेंगे पैरामीटर्स पैरामीटर्स फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं बैच साइज दे देता हूँ बैच अंडर स्कोर साइज इसको हम कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल सिक्सटीन फॉर नाउ इमेज की जो हाइट है एच आई जी एच टी इसको कर लेते हैं दो सौ चौबीस और इमेज की जो विड्थ है वो भी दो सौ चौबीस कर लेते हैं और then we will also create the train dataset अब हम train dataset के बारे में बात करेंगे कि how we can create that तो train underscore dataset is equal to हम यहाँ पे use करेंगे कि किस तरीके से आप utilize करते कर सकते हैं using your image classifier और tensorflow को आप किस तरीके से utilize कर सकते हैं how it can help you so मैं directly यहाँ पे code लेके आता हूँ so it can work fine

तो ये हमारे पास रन हो गया इट विल टेक सम टाइम फॉर रनिंग फिर हमने यहाँ से डेटा रीड किया था फिर हमने डेटा के शेप देख लिए थे डेटा की वैरायटी देख ली थी हमने डेटा को प्लॉट किया था दो दफ़ा प्लॉट किया था नॉर्मल और दूसरी इमेज़ को प्लॉट किया था फिर यहाँ पे हमने इमेज डेटा सेट का दिया और उसको प्लॉट किया डेटा हेड कर लिया और ये हमारे पास इनकोडिंग आ गई थी पाथ हमने यहाँ पे कहीं पे डिफ़ाइन किया था let me see this was subplots लेबल मैं कंट्रोल एफ ही कर लू तो वो बेहतर है पाथ यस हियर वी हैड द पाथ ठीक है सो डेटा डायरेक्टरी जो है हमारी वो पाथ की तरह ही यहाँ पे काम करेगी बिकॉज वी ऑलरेडी हैव दैट अब हम ट्रेन इमेजेस जो यहाँ पे दी हैं ये पाथ के तौर पे किया था मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट देख रहा था कि इफ़ इफ़ दिस इज फाइन अब हमने क्या किया बेसिकली यहाँ पे इमेज का साइज दे दिया सीडिंग दे दिया सीडिंग का मतलब रैंडम स्टेट ही होता है जो मैंने पहले भी आपको समझाया था सबसेट हमने कर दिया उसको ट्रेनिंग डेटा के अंदर वैलिडेशन सप्लिट हमने कर दिया पॉइंट टू का पाथ हमने दे दिया इसका मतलब ये है कि इसने इमेज डेटा सेट फ्रॉम डायरेक्टरी इसने रीड करना है इस कोड ने एंड एट दी एंड इट विल गिव अस कि आपका डेटा सेट किस तरीके से कितना है और कैसे काम करता है मैं इसको रन करता हूँ अगर एरर आई देन वी विल सी इसने क्या किया जनाब यहां पे फाउंड की हैं दस हजार चार सौ सात फाइल्स बिलोंगिंग टू टेन क्लासेस यूजिंग तिरासी छब्बीस फाइल फॉर ट्रेनिंग इसने ऑलरेडी कह दिया कि मैं इतनी फाइल्स जो है वो ट्रेनिंग के लिए यूज करने वाला हूं ठीक है सो so, इस पूरे डेटा में से ये ट्रेनिंग के लिए और बाकी जितनी बचेंगी दस हजार चार सौ सात में से तिरासी छब्बीस निकाल के वो टेस्टिंग के लिए हमने फाइल्स जो हैं अपने पास सेव कर ली हैं अब हम क्या करेंगे यहाँ पे वैलिडेशन डेटा सेट बनाएंगे सो आई विल डू द सेम थिंग मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एंड हेयर वी हैव टू एड पाथ बाई द वे ये मैं एक नोटबुक ओपन की है जिससे मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए सो लेट्स सी वैलिडेशन डेटा सेट क्या कहता है वैलिडेशन डेटा सेट कहता है फाउंड इतनी इमेजेस और उसमें से बीस मैंने वैलिडेशन यानी कि टेस्टिंग के लिए सेव कर ली हैं सो बीस और यहाँ पे कितनी है तिरासी छब्बीस सो नाउ यू कैन हैव अ लुक इन दोनों को मिला के आपके दस हज़ार चार सौ सात इमेज़ जो हैं वो बनती हैं अब हम क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा सेट का क्लास नेम भी प्रिंट कर सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी क्लासेस हैं लेट्स सी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ क्लास अंडर स्कोर नेम इज़ इक्वल टू ट्रेन डी एस और डॉट क्लास नेम्स एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट और फिर क्लास नेम्स सो ये हमारे पास जिनाप क्लासेस हैं पहली क्लास ये है दूसरी ये तीसरी ये चौथी जी पांचवी जय बेस्ड ऑन द फोल्डर स्ट्रक्चर तो इसने ऑलरेडी ये फोल्डर स्ट्रक्चर की बेस पे आपको क्लासेस दे दी हैं हमारा ट्रेन सी को हमने इनकोड ही किया लेकिन ये फोल्डर स्ट्रक्चर की बेस पे आपके पास क्लासेस आ गई हैं राइट जी तो हमने इमेज़स के डेटा को रीड कर लिया ट्रेनिंग और वैलिडेशन हमने यहाँ पर बना ली नाउ वी कैन एक्चुअली इम्पोर्ड एंड प्लॉट समथिंग और देखते हैं कि ये किस तरीके से हमें हेल्प आउट भी कर सकता है सो so, हम हां पे क्लास नेम्स जो हैं क्लास अंडर स्कोर नेम्स नेम मैंने यहां पे नेम्स होना चाहिए था सो so, इसको मैं रन करता हूँ एंड देर इज समथिंग रॉन्ग फंक्शन नॉट रैप्ड स्लाइड लेट्स सी तो हमने बेसिकली क्लासेस को यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश की एंड सम ऑफ द इमेजेस डिडेंट वर्क लेट्स सी

एक्सपेक्टेशन फ्रॉम नन ओके तो कुछ इमेज यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रही विच आर टो और समथिंग एल्स बाय द वे दिस वॉज द सेम थिंग जो हमने पहले प्लॉट किया सो वी डोंट नीट टू डू दैट नाउ मैं इसको जो सेल आउटपुट्स है उसको क्लियर कर देता हूँ और इस बिल के सेल को निकाल देता हूँ बिकॉज वी हैव ऑलरेडी प्रिंटेड द इमेज लाइक दिस ईयर सो वी नो के इमेज कैसी नज़र आती हैं ठीक है थीके? अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि हमारी जो बेसिक इमेज है उसकी शेप क्या है तो उसके लिए सिंपल ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे फॉर लूप इमेज बैच लेबल्स बैच इन ट्रेन डेटा सेट प्रिंट इमेज बैच एंड लेबल बैच तो हमारे पास ये जो है इमेज का बैच जो है ये बेसिकली इस तरीके से प्रिंट हो रहा है टू टू ट्वेंटी फोर बाई टू ट्वेंटी फोर और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बैच जो है वो सोलह इमेजेस का है क्योंकि हमने बैच साइज यहाँ पे सोलह डिफाइन किया था अगर मैं इसको बत्तीस कर दूँ नाउ यू विल सी के हर बैच के अंदर आपकी बत्तीस इमेजेस होंगी सो जस्ट अ मिनट अभी आपको समझ आ जाएगी एंड लुक ही यह बत्तीस होगी सो ये, हो so ये बैच साइज इस वजह से इंपॉर्टेंट होता है कि एक दफा कितनी इमेज को आपने जो है वो प्रोसीड करना है अब हमने एक नॉर्मलाइजेशन की लेयर इसके ऊपर लगा देनी है कि डेटा को नॉर्मल कर दिया जाए और उसके लिए आपको भी पता है कि हमने क्या किया है नॉर्मलाइजेशन रेट टी एफ डॉट कैरास लेयर री हमने कर दी है वन पॉइंट डिवाइडेड बाई टू फिफ्टी फाइव तो ये बेसिकली एक नॉर्मलाइजेशन की लेयर है जिसको हम लगा रहे हैं पिज्जल की वैल्यू की बेस पे क्योंकि एट बिट कलर है तो फिर भी हमारे पास आर जी बी के भी दो सौ छप्पन कलर ही होंगे ठीक है तो इस वजह से वन ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी फाइव यहाँ पे टू फिफ्टी फाइव सॉरी यहाँ पे हमने लिख दिया है अब हम नॉर्मलाइज डेटा सेट जो है उसको यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे पास किस तरीके से नज़र आता है एंड नॉर्मलाइज डेटा सेट जो है हमारा ट्रेन डेटा सेट को मैप करेंगे और नॉर्मलाइजेशन की लेयर ही उसके ऊपर से गुजारेंगे सो so, हमारे पास जो पहली इमेज है उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं नाउ वी विल हैव द आइडिया कि हमारे पास जो मिनिमम पिज्जल है उसकी वैल्यू जीरो है मैक्सिमम पिज्जल की वन है क्यों क्योंकि हमने 255 फिफ्टी फाइव डिवाइड कर दिया और ये बेसिकली नॉर्मलाइज करने का ही मेथड है यूजिंग अ लेयर ठीक है हमने लैमडा फंक्शन यूज़ किया एक्स के ऊपर कि वाई जब उसके ऊपर चले हमारे पास किसी भी एक फंक्शन के ऊपर तो नॉर्मलाइजेशन लेयर ये जो लेयर है ये सारे के सारी मतलब ये वाला फंक्शन सारे का सारा लगे सारे के सारी ट्रेन डेटा सेट पर और उसको नॉर्मलाइज डेटा सेट के अंदर हम कन्वर्ट कर दें ठीक है दैट्स ओनली दैट थिंग वी हैव डन हयर और फिर हम क्या कर सकते हैं हम ऑटो ट्यून भी इस पर लगा सकते हैं बफर साइज़ को इनक्रीज करने के लिए सो so, ऑटो ट्यून क्या होता है बेसिकली आप क्या करते हैं एक डी फ्लो के अंदर एक ऑटो ट्यून एक फंक्शन होता है ये क्या करता है ये डेटा सेट को ट्यून कर देता है और उसको <coughs> कैशे के अंदर सेव कर देता है सो so, अगर आप गौर करें ट्रेनिंग डेटा सेट यहाँ पे आ गया वैलिडेशन डेटा सेट यहाँ पे आ गया नाउ वी हैव दिस ट्यून डेटा सेट अगर आप इसको करना चाहें इट्स फाइन अगर नहीं करना चाहते देन इज़ फाइन एज वेल। अब हम अपना मॉडल जो है वो बताएंगे यहाँ पे कि कितना हमारा मॉडल है उसके लिए हम टें फ्लो का फंक्शन यूज़ करते हैं टी एफ डॉट कैरास डॉट सिक्वेंशल और आप यहाँ पे देखें कि हमारी जितनी क्लास नेम है लेंथ ऑफ द क्लास नेम्स उसको नंबर ऑफ क्लासेज बोला जाता है और अगर आप गौर करें तो ये नंबर ऑफ क्लासेज हमारे पास दस था मैं यहाँ पर एक कोड लिखता हूँ आपको नम यहीं पे मिल जाएगा दस हैं

मैक्स पोलिंग फिर फ्लैटन लेयर फिर ड्रॉप आउट लेयर है ये क्या करता है डेटा को थोड़ा सा ड्रॉप कर देता है एंड देन वी विल कंसिडर ऑन दो ऑल्सो कि जब हमारा डेटा सेट बहुत ज़्यादा ओवर फिटिंग की तरफ जाता है देन वी यूज़ ड्रॉप आउट फंक्शन ठीक है एट द एंड हमने डेंस लेयर के अंदर रैल्यू फंक्शन यूज़ करके एक सौ अट्ठाईस न्यूरस यूज किए और हमारी आउटपुट लेयर के अंदर जो नम क्लासेज हैं वो इस बेस पे हमारे पास आ जाएंगे कि हमारे पास दस क्लास uh, uh, जो क्लासेज हैं एट द एंड हमारे पास आएंगी तो ये तो हमारा मॉडल हो गया इसको फिर कंपाइल करते हैं हम सेम उसी तरीके से जैसे अदर मॉडल्स को कंपाइल करते हैं मैं इसको रन कर देता हूँ और यहाँ पे एडम ऑप्टिमाइजर है हमारे पास क्योंकि मल्टीपल मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है तो स्पार्स क्रास ट्रॉपी आएगा लॉजि के अंदर लॉजिट्स का मतलब होता है कि हमारी कोई भी फाइल है तो उसको हम सेव करेंगे एज कम्पेयर टू द नॉर्मल फ़ाइल तो ये मॉडल हो गया यहाँ पे कंपाइल एंड देन नाउ वी विल फिट आर मॉडल और उसके बेस पे हम चलाएंगे कि कितने ई हमने रन करने हैं से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लगाता हूँ मॉडल डॉट फिट ठीक है और इसके अंदर ट्रेन डेटा सेस से डेटा सेट फिर आएगा जनाब वैलिडेशन डेटा वैलिडेशन डेटा इज इक्वल टू वैल डेटा सेट और फिर हमारे ई आएंगे ई पॉक्स वी कैन पुट टेन फॉर नाव ठीक है अगर आप चाहते हैं तो इसको हिस्ट्री के ऑब्जेक्ट के अंदर भी सेव कर सकते हैं एंड देन इट विल वर्क इन द सिमिलर वे जो आप करना चाहते हैं अदरवाइज इस टोटली अप टू यू कि अगर आपने इस पूरे के पूरे मॉडल को uh, काम में लेके जाना है एंड देन आप डेटा के अंदर ऑगमेंटेशन भी कर सकते हैं एंड यू कैन रन अ लॉट ऑफ अदर डिफरेंट थिंग्स लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर करें तो हमें यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन जो है एक्टिवेशन इज़ इक्वल टू सॉफ्ट मैक्स ये भी यूज़ करना था बिकॉज वी हैव टू क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पे मैं इसको यूज़ करता हूँ मॉडल को यहाँ पे कंपाइल करते हैं दोबारा से एंड देन मॉडल यहाँ पे हम फिट को यूज़ करते हैं बट वट वी कैन डू जो हमने कल काम किया था यहाँ पे अगर मैं जाऊँ डीप लर्निंग के अंदर और सी एन एन फैशन एमिनिस्ट के डेटा के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क ये वाला हमारा मॉडल था कल ठीक है और इसके ऊपर टू डी लेयर हमने बनाई फिल्टर साइज़ कर्नल साइज एक्टिवेशन फंक्शन एंड एट दी एंड हमने लेयर को फ्लैटन करके इस तरीके से अपने पास लिख लिया था हम मॉडल समरी भी यूज़ कर सकते हैं जस्ट टू सी कि हमारा मॉडल कैसा नज़र आ रहा है तो यहाँ पे अगर मैं मॉडल समरी लिखूँगा इट शुड शो मी लेट्स सी क्यों नहीं बताया दिस मॉडल हैज़ नॉट नॉट बिल्ड इट फर्स्ट एंड देन ओके अच्छा जी मॉडल अभी बिल्ड नहीं हुआ वी विल सी दैट सो मॉडल इनपुट लेयर लेकिन इट शुड वर्क मैं सभी को ऊपर वालों को पहले रन करता हूँ आई सी कंपाइलेशन से पहले बताना है सो आई विल टेक दिस थिंग कॉपी बल्कि इसको ऐसे पकड़ के यहाँ पे ले जाते हैं अब मैं ऊपर वाली सारी चीज़ों को रन करता हूँ जब यहाँ पे टिक आ गया समथिंग लाइक दिस इट्स स्टिल नॉट वर्किंग सो इसको हम अभी तक के लिए रहने देते हैं बट मॉडल डॉट कम्पाइल ये हमने कर लिया हम यहाँ पे अर्ली स्टॉपिंग के थ्रू सेम प्रोसीजर को यूज़ करते हैं और कॉपी करके मैं यहाँ पे सेम वही ट्रेनिंग और वैलिडेशन वाला काम जो है उसको प्रिंट कर देता हूँ और हम क्या करेंगे यहाँ पे बजाय इसके कि ट्रेन एक्स ट्रेन वाई ट्रेन हम लिखें हम ट्रेन डेटा सेट एंड देन वैलिडेशन डेटा सेट जो है उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं और वी कैन एक्चुअली रन दिस एज इट इज़ तो मैं पहले ई पॉक एक रखता हूँ यहाँ पे फिर इस पर बात करते हैं कि हम इनके ई पॉक्स कैसे बढ़ा सकते हैं बट फॉर नाउ लेट्स सी रन रन टाइम एरर क्या एरर आ रही है लेट्स सी यू मस्ट कंपाइल योर मॉडल बिफोर ट्रेनिंग ओके ये वाला रन नहीं किया होगा हमने एंड नाउ वी आर गोइंग टू रन दिस सो so, ये मेरे पास एक ई चलने के लिए अच्छा खासा टाइम लगेगा बिकॉज वी आर हैविंग 10,000 थाउजेंड इमेजेज और 224 उनका साइज है तो इस वजह से वी विल सी कि हमारे पास कितना टाइम यहाँ पे सर्व होता है लेट्स सी मैंने सिर्फ एक ई पॉक चलाया अभी ले जनाब एक ई पॉक चलाया और मेरे पास जो लॉस है 2.23 है एकोरेसी पॉइंट टू यहाँ पे है लेकिन अगर मैं वैलिडेशन तो एक देखूँ तो पॉइंट है सिर्फ एक ई पॉक की बेस पे दैट्स अ गुड थिंग अब हमने क्या करना है मैं इस कोड में से कुछ चीज़ें निकालूंगा जैसे मैंने मॉडल डॉट फिट किया यहाँ पे मैं लिखता हूँ हिस्ट्री हिस्ट्री इज़ इक्वल टू और अब हम यहाँ से चीज़ें ले आते हैं ऊपर हमारा बैट साइज़ हमने ऑलरेडी दे दिया उसकी बात नहीं करनी ई पॉक्स हमने दे दिया वैलिडेशन सेट भी दे दिया हमने ये वाला फंक्शन जो है इसको डिफ़ाइन करना है अर्ली स्टॉपिंग को और इसको ऐड करना है इस कोड के अंदर सो दैट्स वाट आई एम गोइंग टू डू सबसे पहले तो यहाँ पे परसेंट परसेंट टाइम की कमांड यहाँ पे अर्ली स्टॉपिंग आ गया और यहाँ पे फ्रॉम टेंसर फ्लो टेंसर फ्लो इम्पोर्ट क्या था यार अर्ली स्टॉपिंग का सबसे ऊपर जाके देखते हैं ये था कोड इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ लाइक like दिस तो ये हमारे पास अर्ली स्टॉपिंग का आ गया पेशेंस हमारे पास है जी पाँच का रख लेते हैं ये हमारे पास फिर मॉडल आ रहा है हिस्ट्री के अंदर और हम देखते हैं कि जी हिस्ट्री के अंदर हमारे पास कॉल बैक फंक्शन को हम ऐड कर देते हैं सो so, यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन आ गया यहाँ पे मैं सौ ई पॉक्स चलाता हूँ बल्कि पहले दस चलाता हूँ और पेशेंस रखता हूँ दो का फिर हम आगे चलेंगे सो so, दस ई पॉक्स चलाते हैं फिर हमारे पास आ गया जनाब यहाँ पे एवेल्यूट The model यहाँ पे हम लिखते हैं जी evaluate द मॉडल तो मॉडल को evaluate करने के लिए लॉस आपके पास वैलिडेशन डेटा पे आ जाएगा एंड देन लॉस को वैसे ही यहाँ पे रहने देते हैं एंड नाउ वी कैन हैव अ लुक के हम प्लॉट कैसे करते हैं इसे History, 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 loss, loss, loss. So यहाँ पे ये plot के दोनों में command यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि हमारे पास सब कुछ एक जैसा चले I'm hopeful कि ये काम करेगा आप नहीं करता then we will have a look कि क्यों नहीं करता भी काम तो based on this let's run this neural network। मैं नीचे वाला सारे का सारा जो है उसे remove कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये हमारे पास मॉडल है और ये टाइम मैंने लगा दिया हमने दो पेशेंट्स की ले रखी हैं दस ई पॉक्स चलाए हैं अर्ली स्टॉपिंग के साथ और साथ में हमारे पास प्लॉट भी हैं ले जनाब सब सबसे ऊपर वाला सब कुछ मैंने पहले चला दिया एंड बिस्मिल्लाह पढ़ के अब इस न्यूरल नेटवर्क को मैं रन करता हूँ दस ई पॉक्स कितने टाइम में चलते हैं और एरर के बगैर चलते हैं लेट्स हैव अ लुक टुगेदर ये चेक करें जनाब आप मेरे पास ये अब मॉडल चल रहा है सारे का सारा और यहाँ पे क्योंकि मेरे पास लॉजट्स वगैरह भी मैं ले रहा हूँ तो मेरे पास आउटपुट के अंदर लॉजिट्स भी आएंगे बिकॉज आई हैव पुट दू टू एक ई पॉक को मेरे पास लगे पंद्रह सेकेंड क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड मैंने न्यूरल नेटवर्क नहीं बनाया इस वजह से पंद्रह सेकेंड लगें बट यू कैन हैव अ लुक ऑन द एक्सी यहाँ पर हमारे पास जनाब एकूरेसी वैलिडेशन की ट्रेनिंग uh, की पॉइंट टू फोर है यहाँ पर दूसरे ई पॉक के अंदर ही पॉइंट फोर ज़ीरो हो यहाँ पे पॉइंट थ्री सिक्स हो सो so, का डेटा सेट हमारा डिफरेंट है चेक करें जी तीन ई के बाद ही हमारी जो एक्यूरेसी है ट्रेनिंग और वैलिडेशन की उनमें तजाद आने लग गया है इन दैट्स वाई यू कैन हैव अ लुक कि हमारे पास यहाँ पे तैतीस फीसद है और यहाँ पे चवालीस फीसद है इनक्रीज़ नहीं की क्योंकि हमने अर्ली टेस्टिंग की है कि हमारा डेटा सेट कैसा चलता है अब मैं यहाँ पे दस का रखता हूँ पेशेंस अपने पास सब कुछ दोबारा से ऊपर वाला रन करता हूँ ताकि हमारा नए सिरे से बिल्ड हो मॉडल और यहाँ पर मैं सौ ई चलाने वाला हूँ जस्ट फॉर दिस सेक के मेरे पास एक प्रॉपर रिजल्ट है बजाय इसके इस तरीके से रिजल्ट हमारे पास शो हो और यहां पर मैं रिमूव वार्निंग भी करना चाहता हूँ सो मैं यहाँ पे कहूँगा रिमूव वार्निंग्स उसके लिए आपको पता है कि हम इम्पोर्ट वार्निंग्स और इम्पोर्ट वार्निंग्स के बाद हम वार्निंग्स को इग्नोर कर देते हैं तो ये पहली नोटबुक के अंदर होना चाहिए बट आई एम रनिंग दिस नाव नाव यू कैन हैव अ लुक तो मैं 100 ई चलाऊंगा इसकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी उसके बाद मैं क्या करूंगा मैं सेम इसी तरीके से जो मैंने कल काम किया था मैं अपने मॉडल को सेव करूंगा और मॉडल को सेव करने से पहले मैं इसको एवेल्यूएट भी करना चाहूँगा इसकी एकूरेसी और बाकी चीज़ें सो मैं सेम कोड को वहाँ पर ले जा सकता हूँ और अपने पास इसको एवेल्यूशन के लिए रख सकता हूँ एंड देन आई कैन डू अलॉट ऑफ़ थिंग्स वट एवर आई वॉन्ट टू डू सो सो ई को चलने के लिए अच्छा खासा टाइम लगेगा आपसे मेरी रिक्वेस्ट है मेन वाइल कि अगर आपने इस तरह का कोई न्यूरल नेटवर्क पहले से ट्रेन किया दैट्स गुड अगर नहीं किया प्लीज़ गो अहेड और इस पर प्रैक्टिस करें आपको नोटबुक्स कई मिल जाएंगी आप सिर्फ टेंसर फ्लो लिखेंगे आपके पास नोटबुक हाजिर हो जाएगी जो नोटबुक मैं यूज़ कर रहा हूँ ज़िया फॉर फॉर माई अंडरस्टैंडिंग ताकि काम जो है हमारा स्पीड हो उस बंदे ने भी ठीक से काम नहीं किया हुआ और उसकी भी एरर आई है जो मैंने एरर्स उसमें से फाइंड आउट करके आपको दिखाया वो आपके सामने मैं ले आता हूँ यहाँ पे चेक करें ये नोटबुक है जनाब पेडी राइस डिजीज़ की मैं क्या करता हूं यहां पे जब भी किसी चीज पे काम करना है सर्च में टेंसर फ्लो लिख दिया कोड में इसको सर्च किया यहाँ पे सर्च करने के बाद ये जनाब मेरे पास नोटबुक्स आ गई सो मैंने देखा सी एन एन जहां पर लिखा हुआ है उसको निकाल लिया फिर मैं आपको रेजिडेंट और बाकी और रेडी ट्रेंड मॉडल के बारे में बताऊंगा फॉर नेक्स्ट क्लास लेकिन हमारा काम है सी एन एन के ऊपर सो सी एन एन जिस जिसने लिखा हुआ है यू कैन एक्चुअली फाइंड दैट नोटबुक फॉर एग्जाम्पल दिस वन सिंपल सी एन एन एंड एटी एट परसेंट एकोरेसी उसकी आ गई है सो यू कैन हैव अ लुक कि आपने सी एन एन कैसे बनाना है ये भी एक अच्छी नोटबुक है देन यू कैन गो एंड प्रोसीड विद दिस दिस काइंड ऑफ नोटबुक्स आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप आज इस क्लास में नहीं हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हुए हैं आप लिंक्स पर क्लिक करके बिल्कुल जीरो से पाइथन से स्टार्ट करके मशीन लर्निंग डीप लर्निंग सीख सकते हैं हम इस मॉडल को सेव भी करेंगे और इस पर काम भी करेंगे बट आपके लिए टास्क ये है कि आपने पैडी डिजीज़ डेटा सेट पर काम करना है इसको डाउनलोड करें डाउनलोड करके इस पर काम स्टार्ट करें अगर आपके पास इंटरनेट अच्छा नहीं है और आपके पास जो है मशीन भी अच्छी नहीं है सो यू कैन यूज़ गूगल को लैब गूगल को लैब के ऊपर आप काम करें वेलकम टू गूगल को लेबोरेटरी इसके ऊपर जाके आप काम कर सकते हैं अदरवाइज़ आई कैन शो यू कि आप यूट्यूब पे जाएं यहाँ पे लिखें गूगल को लैब को आप ये तीन चीज़ें लिखेंगे तो मैंने 25 मिनट का एक क्रैश कोर्स आपको दिया हुआ है गूगल को लैब कैसे यूज़ करनी है सो प्लीज़ कॉपी दैट लिंक और इसको सेव करके आप 25 या 26 मिनट के अंदर गूगल को लैब को चलाना सीख जाएंगे और आपको जीरो पैसा देना पड़ेगा किसी भी काम के लिए ठीक है सो दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली रन गूगल को लैब और गूगल को लैब के ऊपर आप काम कर सकते हैं अगर आपकी जो मशीन है वो अच्छी नहीं है मैंने इसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है सो आई एम होपफुल कि आप इस पर काम करेंगे और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के टास्क को अपने लिए आसान बनाएंगे अभी के लिए इतना ही जैसे मेरे पास रि रिजल्ट आएंगे देन आई कैन शो यू बिकॉज इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर मी अभी जो मेरे पास रनिंग हुई है वो ग्यारह ई रन किए हैं आई कैन शो यू कि ग्यारह ई मुझे कैसा रिजल्ट दे रहे हैं देन वी विल टॉक अबाउट दैट यहाँ पे चेक करें जी मेरे पास 11 ई रन किए हैं और मेरे पास जो एक्यूरेसी इस वक्त वैलिडेशन की गई है दैट इज़ 54 फोर परसेंट यहाँ पे 67 टेस्ट मेरे पास ट्रेनिंग के दौरान आई है सो देर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग और उसको हम देखेंगे कि अगर हमारे पास डेटा को ऑगमेंट करने की ज़रूरत है या हाउ वी कैन प्रोसीड तो हम इस एक्यूरेसी को इंक्रीज भी कर सकते हैं मैं इसी पेशेंस को अगर तीस कर दूं सो ये एक नई रेंज हो जाएगी सो इससे मेरे पास और भी अच्छे ई पॉक्स चलेंगे आप अर्ली स्टॉपिंग को रोक भी सकते हैं बाय द वे इट्स टोटली अप टू टो यू और यहाँ पे मैं लर्निंग रेट देखता हूँ अगर मैं ऐड कर सकता हूँ लर्निंग या एल था एल आर अभी के लिए रहने देते हैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में रख लेते हैं सो so, मैं ये हंड्रेड ईपॉक्स चलाता हूँ दोबारा से एंड देन आई विल शो यू फाइनल रिजल्ट अभी के लिए जो मैंने आपको बताया इस पर आप फोकस कीजिए इसी के साथ मुझे इजाज़त दें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें लाइक करेंगे तो बहुत इन्जॉयमेंट मिलेगी ख़ास तौर पर इस तरीके से चेक कीजिएगा डीप लर्निंग मशीन लर्निंग पढ़ें और इसका मज़ा जो है हमें लेना भी चाहिए पढ़ते हुए हमें चीज़ों को समझना भी चाहिए दैट इज़ वाई आई ऑलवेज़ से कि जब आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना प्लीज़ उसको पैशन के साथ देखें अगर आप पैशन के साथ नहीं देखेंगे बिलीव मी आपका मूड ऑफ हो जाएगा इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें अपना ख्याल रखें दो में याद रखें टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़